मेरी ओके पूरी हाँ बात सुनिए, आपको समझ में भी आएगी और आपको जीवन भर के लिए एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जिसे आप जहां अप्लाई करोगे सक्सेसफुल होगे। यस सर तो मेहनत करने से लोग सफल नहीं होते। यदि आप किसी चीज में सफल होना चाहते हो तो बिल्कुल तपस्या करनी पड़ेगी। यदि आप तपस्या करने के लिए तैयार हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जी और कृपा को भी दो शब्दों में तोड़ लीजिए, कर और पा। जी सर कर और पा यानी ओके कर तो आपको मिलेगा, ओके ओके तो कर पा, कृपा ओके को हम कंप्रेस कर देते हैं तो ये या कृपा बन जाएगा। सही, आपने बहुत अच्छी बात बताई राइट सर। मैं अक्सर ऐसा महसूस करती हूँ कि लोगों के दिलों में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें मिल नहीं पाते हैं, अगर मिलते भी हैं तो वो उनसे कुछ संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे उनके कुछ जवाब देंगे? बिल्कुल मैम, आप अपने कोई भी सवाल है तो उन्हें एक एक करके रखिए। यस सर। सर ज्यादातर लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है तो मैम, सर इसका कोई फॉर्मूला होता है सक्सेसफुल होने का? जहाँ तक सक्सेस की बात है तो ज़्यादातर लोग नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। जी सर और सफल होने के लिए एक सिस्टम है, यदि आप उस सिस्टम को समझ लेते हो तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस के लिए एक पैटर्न होता है हर चीज़, जी हर चीज़ में। इस दुनिया की कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसमें एक पैटर्न है। जैसे यदि आप YouTube पर काम करते हैं तो YouTube में सफल होने का एक पैटर्न है, जी जितने भी लोग सफल हुए हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करके सफल हुए हैं। फेसबुक पर भी ऐसा ही है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसा ही है, क्रिकेट में भी ऐसा ही है, जी सर पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है और बॉलीवुड हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। ओके बस सर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग समझ नहीं पाते कि वो पैटर्न क्या है। जी सर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी बच्चे करते रहते हैं पूरे साल, कोई कोई तो दो दो तीन तीन चार चार साल तैयारी करता रहता है और वो समझते हैं कि हम इसे क्रैक कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर अब मैं इसे पूरा डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। यस देर आर थ्री स्टेप्स, सर ये तीन स्टेप हैं। पहला, पैटर्न को पहचानना। ओके जैसे इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक मोमोज का ठेला लगाया ओके और उसके बहुत सारे मोमोज बिक रहे हैं रोज, मतलब उसके यहाँ लाइन लगी रहती है। अब उसे देख करके आपके मन में ख्याल आया, यार यार ये तो बहुत बिक्री कर रहा है, यस चलो हम भी मोमोज का ही बिजनेस करते हैं। अब मतलब आपने, जिस जिस भी बिजनेस में प्रॉफिट लग रहा है उस अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करा कि हाँ इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं ऑब्जर्व नहीं करके। लोग ना 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 ना, आप गलत समझ गए, जी आप गलत समझ गए। अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि लोगों को प्रॉफिट बनाते हुए देखकर हमारा ये मन कर जाता है कि हम इस डायरेक्शन में चले जाएं। हाँ अब मन करना अलग बात है और पैटर्न को समझना अलग बात है। मेरी ओके पूरी बात सुनिए, आपको समझ में भी आएगी और आपको जीवन भर के लिए एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जिसे आप जहां अप्लाई करोगे सक्सेसफुल होगे। यस सर राइट, तो पहला स्टेप है पैटर्न को समझना। भाई ओके दुनिया में मैंने आपको बताया अभी अभी कि हर चीज को करने का या सक्सेसफुल होने का एक पैटर्न है। अब ओके मोमोज वाले की हम बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने ऐसे मोमोज बनाए या उसने एक मोमोज का ठेला लगाया है, बिजनेस स्टार्ट किया और उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है कस्टमर की, तो उसे देखकर एक और व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि यार हम भी मोमोज का बिजनेस कर सकते हैं, यस चाहे वो ठेला लगाए या शॉप खोले या थोड़ा बड़े लेवल पे करे। अब प्रॉब्लम ये आई कि उसने सिर्फ प्रॉफिट तो देखा, उसने उस पैटर्न को नहीं समझा। जैसे भाई वो मोमोज की क्वालिटी कैसी दे रहा है, हाँ अब इसमें क्या बारीक रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि लोगों को अक्सर पसंद आते हैं मोमोज वो जिनकी लेयर ऊपर की थिन हो। अब उसने मोमोज बनाए लेकिन उसने लेयर थिन नहीं रखी, फिर लेयर थिन ना रखने की वजह से लोगों को उतना मजा नहीं आया। दूसरी बात कि जब उसने मोमोज बनाए तो उसने कभी उस व्यक्ति के मोमोज को खाकर नहीं देखा, टेस्ट टेस्ट नहीं करके देखा, नहीं
कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अब उसने अपने हिसाब से यूट्यूब से देखा, फेसबुक से देखा, या किसी से पूछा, किसी रेस्टोरेंट में देखा उसने, लेकिन सेम एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो नहीं किया, चाहे वो उसमें मसालों का कॉम्बिनेशन था या उसके अंदर जो स्टफिंग थी उसको उसे समझना चाहिए था। दूसरी चीज, हो सकता है कि उसकी जो मोमोज की चटनी थी वो शायद वो थोड़ा स्पेशल हो सकती वो है। स्पेशल हो सकती है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हो सकते हैं, उसका टेस्ट अलग हो सकता है, तो पैटर्न को लोग पहचान नहीं पाते। सर मोस्टली लोग यही करते हैं कि प्रॉफिट देखते हैं कि हाँ इस चीज में प्रॉफिट है, वो इस चीज को पैटर्न का ऑब्जर्व नहीं कर पाते हाँ, पहले। अब इसके मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको और दे करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि जी हर सर, चीज का एक पैटर्न है। अब सोचिए कि लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं मुझे लगता है, यस यदि सर, हम किसी भी इंसान से ये पूछेंगे कि भाई आप मेहनत करते हो, तो वो कहेगा हाँ मैं तो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता हूँ। और मेहनत तो आपके मम्मी पापा भी करते हैं, यस मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, और मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी कोई रहता है वो मेहनत तो करता ही है, चाहे वो कितना भी आलसी हो। लेकिन यदि आप उससे पूछोगे कि आप मेहनत करते हो, हाँ मैं तो बहुत मेहनती हूँ, यस सर, राइट। तो यानी तपस्या, अब तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब है जब पुराने जमाने में या एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो तपस्या करते थे, और जिन लोगों की भी तपस्या कभी भंग हुई तो वहाँ मेनका आ गई, अप्सरा आ गई, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, राक्षस आ गए, जी सर, राइट। तो आज के जमाने में ना तो मेनका आ रही, ना तो अप्सरा आ रही, और ना ही राक्षस आ रहे, लेकिन आज उनसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। सर आप अभी क्या? कोई काम करने बैठोगे, आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, कोई घर में फैमिली में हो गए आप तो कोई ना कोई काम बता देगा, कोई कॉल आ जाएगी, या आपको कुछ और याद आ जाएगा। तो आज लोग जब किसी चीज को करते हैं तो फुल कंसंट्रेशन, फुल डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ नहीं करते, में कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, मतलब वो थोड़े दिन करेंगे और फिर वो ब्रेक कर देंगे। तो तपस्या नहीं हुई, इसीलिए भगवान प्रकट भी नहीं होते और जी कृपा भी नहीं होती। तो मेहनत करने से नहीं होगा, जो आपने सोच लिया सर, उसको लेकर के आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सालों साल बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, हाँ क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो इस पैटर्न को क्रैक नहीं कर पाते। अब पैटर्न क्या है भाई? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पैटर्न है। जैसे हम चाहे नीट का एग्जाम ले लें, चाहे हम ये सीपीएमटी का तो पहले होता था, अभी ये जो आईआईटी के लिए एग्जाम देते हैं बच्चे, जी सर, इसका एक पैटर्न है कि भाई ये सारे चैप्टर्स हैं हाँ और इस चैप्टर में से इतना परसेंट आएगा, इसमें से इतना परसेंट आएगा, तो कौन से जो सवाल हैं पूछे जाते हैं, सवाल जो किस तरीके से आते हैं उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, तो कौन बच्चे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, तो वो पैटर्न समझ लेते हैं हाँ, कि इसी पैटर्न पर आना है। कि इसी पैटर्न पर, और ये जो हमारा मेन कंटेंट है हमें इसी पर फोकस करना है, जी ये हमारा पोर्शन वीक है। आप अटेम्प्ट करेंगे पहली बार में, हो सकता है कि आप 40%, 30%, 20% ही अटेम्प्ट कर पाए, सेकेंड टाइम बैठिए जी सर, देखिए कहाँ प्रॉब्लम रही, फिर से उसे दोबारा से उसी पेपर को करिए, उस पेपर को 100% सॉल्व कर लीजिए, यस आपका सर, कॉन्फिडेंस खुद बढ़ बढ़ जाएगा। जाए। तो पैटर्न को समझना, अब बच्चे हैं स्कूलों में भी जाते हैं तो वहां भी वो पैटर्न को नहीं समझते, ना ध्यान से सुनते हैं, ना समझते हैं, और ना ही उसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उन्हें मतलब फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। मतलब पैटर्न को क्रैक करना ही बेहद इंपॉर्टेंट है। यस सर, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमेज़न एक बड़ी कंपनी है, यस सर, इंटरनेशनल कंपनी है, साथ ही में जो ये ई कॉमर्स बिजनेस है इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यस सर, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, लेकिन कोई भी अमेज़न के जैसा बन क्यों नहीं पा रहा? इसलिए नहीं बन पा रहा कि उन्होंने उसे बाहर से तो देख लिया है लेकिन वो उसका इंटरनल पैटर्न क्रैक नहीं कर नहीं पा कर रहे, पा रहे। समझ नहीं पा रहे। जैसे यदि आप अमेज़न से कोई
नो कुछ भी आइटम ऑर्डर बाय करते हैं आप? करते हो, यस जब अमेजन सेल करता है तो उसकी कुछ चेकलिस्ट है ओके कि भाई ये बिजनेस मेरे साथ कर रहा है। तो बिजनेस में जब कोई अपना कस्टमर मतलब कोई बिजनेसमैन अपना माल अपना जो गुड्स है उस पर सेल करना चाहता है तो वो वहाँ पे एक प्रॉपर चेकलिस्ट है। अमेजन एक सबसे रिलायबल साइट है, यस सर आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो अमेजन सबसे रिलायबल है कि वहाँ से डुप्लीकेट माल नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो अमेजन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, तमाम जगह से आप चीज़ें खरीदते हो कम पैसे होने के चक्कर में, लेकिन कच्चा लालच हमेशा बुरा होता है। कई बार डुप्लीकेट चीज़ें आ जाएंगी, कई बार उनकी क्वालिटी हो जाता इंफीरियर है। होगी, राइट? तो ये मतलब मुझे लगता है कि दुनिया भर में लोगों को सिर्फ अमेज़न पर एक ट्रस्ट होता है कि हाँ नहीं, ट्रस्ट। एक पैटर्न क्रैक करना है। ओके पैटर्न, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यूट्यूब का फेसबुक का पैटर्न क्रैक किया होगा, फिर यस सर इस पे सफल कैसे होते हैं? पैटर्न तो मैंने क्रैक कर लिया, बट आई एम एंगेज विद अदर बिजनेसेस, मैं दूसरी चीज़ों को अपनी नहीं छोड़ पा रहा। मेरे पास दूसरे बिजनेसेस भी हैं, उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है और यस इसके लिए पूरी टीम चाहिए। इट्स लाइक ए बिजनेस, या फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम और ये पूरी कंपनी है, मतलब ये पूरी आपको कंपनी की तरह चलानी पड़ेगी। यस तो जैसे फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर है, यस तो सर इसको पूरी कंपनी बनाना पड़ेगा। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, मेरा काम सिर्फ प्रोडक्शन करेगा। टीम वर्क तो यहाँ टीम चाहिए, या राइट? दूसरी बात, मैं दूसरी चीज़ों में भी इंगेज, मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। तो पैटर्न को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, यदि आपको पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न पहला स्टेप है पैटर्न को समझना, यस सर दूसरा स्टेप है पैटर्न को क्रैक करना। डुप्लीकेट कर। ओके यदि हमने उस पैटर्न को समझ लिया तो हम उसे यूज कर पाए, जैसे मोमोज वाला, हाँ यदि आपने पैटर्न को समझ लिया तो आप यूज कर लीजिए। यदि उसके यहाँ 40 कस्टमर आ रहे हैं तो 20 2 दिन आगे पीछे आपके आ पास भी आ जाएंगे। जाएंगे। और यदि मतलब आपको 2 स्टेप क्लियर हो गए, यस सर कौन कौन से 2 स्टेप हैं? पैटर्न को पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न है, समझना है समझना पैटर्न को, है उसको। समझना, और दूसरा मतलब फिर उसको फिर हमें डुप्लीकेट करना है पैटर्न को, यूज करना यूज है, करना है उसका। राइट? और तीसरा, जो सबसे दुनिया के पावरफुल लोग यूज कर पाते हैं वो है नए पैटर्न बनाना। लोगों के बिहेवियर, लोगों के एटीट्यूड को, लोगों की जरूरत को समझते हुए नए पैटर्न बनाना। अब चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, यस सर मैकडोनल्ड इंडिया में आया, लेकिन क्या कभी लोग ये समझ पाए कि मैकडोनल्ड सब जगह एक जैसे आइटम्स कैसे दे पाता है? वही बर्गर मिलेंगे, वही बर्गर की वैरायटी मिलेगी, वही फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, वही बिठाने का सिस्टम होगा, उसी तरीके की प्रिपरेशन होगी, उसी तरीके के इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्योंकि उन्होंने मैकडोनल्ड स्टार्ट करने से भी पहले इंडिया में मार्केट का रिसर्च किया ओके कि यहाँ के लोग कितने बजट में बर्गर खा सकते हैं, तो उनको बर्गर का कैसा टेस्ट है लोगों पसंद, की जरूरतों का पहचानना। लोगों की जरूरतों को, पैटर्न को क्रैक करना। अब यही मैकडोनल्ड अमेरिका में अलग तरीके से बिजनेस करता है, यही मैकडोनल्ड रशिया में अलग तरीके से बिजनेस करता है, लेकिन इंडिया के मार्केट को समझने के लिए उन्होंने अपनी टीम को यहाँ 3 4 साल 5 साल छोड़ा कि आप जाइए इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है तो उन्होंने इस पैटर्न को समझा, जी लोगों की रिक्वायरमेंट को समझा, फिर उन्होंने उस पैटर्न को यूज किया। जब वो उसे यूज करने लग गए, एक दो आउटलेट खोले उन्होंने और वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने फिर उस पैटर्न को डुप्लीकेट कर दिया, यूज करना। कर लिया। तो 3 स्टेप का फॉर्मूला है दुनिया में। यस सर पैटर्न पहला ऑब्जर्व करना, पैटर्न समझना, समझना। ऑब्जर्व करना या समझना, यस दूसरा पैटर्न को यूज करना, और तीसरा न्यू पैटर्न्स बनाना। न्यू पैटर्न्स बनाना। यदि आप ये नए पैटर्न बनाना सीख गए यस सर तो आप दुनिया में छा जाएंगे। छा जाएंगे। अब यस जैसे चैट जीपीटी पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस आज यदि लोगों को किसी चीज का नाम याद है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी ही, क्योंकि उन्होंने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर इंट्रोड्यूस दिया। किया उन्होंने शायद समझा होगा लोगों के बिहेवियर को, चैट जीपीटी को ट्रेन किया होगा, है। तो वो ये नए पैटर्न बना पाए, और आज चैट जीपीटी सब इज वेरी पावरफुल। यस सर
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर, तो सफल होने के लिए थ्री स्टेप्स का थ्री फॉर्मूला है। स्टेप्स। पहला, पैटर्न को समझना है पहले, उसके बाद पैटर्न को यूज करना है, और फिर हम न्यू पैटर्न को बनाना बना है, सकते हैं, या इन्वेंट कर सकते हैं नया पैटर्न यस उन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए। अब चाहे आप इसे स्कूल में अप्लाई कर लो, चाहे आप अपनी टीचिंग में अप्लाई कर लो, चाहे आप किसी बिजनेस में अप्लाई कर लो, या आप जो कुछ भी करने जा रहे हो, हर चीज का एक पैटर्न है। सर, आज के बाद मुझे लगता है हमारी ऑडियंस इसे ऑब्जर्व करना शुरू करेगी कि यस सर, आखिर ये पैटर्न होता क्या होता है। क्या जी, आपका कोई और सवाल है? है? यस सर, जैसे सर आपने अपने लाइफ के इतने जीवन व्यतीत किया है आपने, तो आप जैसे इंग्लिश बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो सर इंग्लिश का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है? जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का क्या रोल है? मैम, इंग्लिश का और इंग्लिश स्पीकिंग का रोल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि शायद मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जब आप कोई लैंग्वेज सीख जाते हैं, जैसे हिंदी है, तो हिंदी हमें हमेशा बचपन से सुनने को मिली, सुनने को मिली तो हम बोलने भी लगे। तो अंग्रेजी यदि आप केवल सुनने लगेंगे तो नेचुरली वो आपके मुंह से निकलने लगेगा। अब हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, खासकर उनके लिए कभी उनके मम्मी पापा से पूछ के देखिए, कैन यू अंडरस्टैंड दीज टेक्स्ट बुक्स, क्या आप इन टेक्स्ट बुक को समझ सकते हैं? वो कहेंगे शायद नहीं। अब यदि पेरेंट्स ही समझ नहीं पा रहे तो वो छोटा बच्चा उन टेक्स्ट बुक को क्या समझता होगा? नहीं समझता होगा, यानी उसको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज दिलवानी ही पड़ेगी। आप चाहे उसे खुद से पढ़ाएं, खुद से इंग्लिश सिखाएं, लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, स्कूल तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन शायद स्कूलों में काम उतने अच्छे से हो नहीं पाता, या फिर उसमें बहुत समय लग जाता है। तो फिर एडिशनल इंग्लिश की कोचिंग लगाकर आप ये कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोई सेंटर ज्वाइन कर लें। जब आप लैंग्वेज को बोलने लगते हैं तो आप उसे बेहतर ढंग से समझने भी लगते हैं, समझने और जब आप बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो स्कूलों का जो वर्क है उसे आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आपको याद भी रहेगा। तो यही होता है, मोस्टली बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हिंदी क्या होता है, हम हिंदी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हिंदी में करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से हिंदी की हैबिट हो जाती है, लेकिन अगर उसी की जगह हम अगर इंग्लिश को बोलना शुरू कर दें, तो हमें इंग्लिश में भी हमें इजी लगेगा, उसमें भी डिफिकल्टी नहीं फेस होगी। नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे घर में माहौल नहीं है। यार, माहौल तो घर में पढ़ाई का भी नहीं होता, सही बात। लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? माहौल बताइए, घर में कहीं ऐसा होता है कि मम्मी अपनी नोटबुक ले आओ, पापा आओ नोटबुक ले आओ, आओ सब मिलके पहले माहौल बनाएंगे? नहीं होता ना। नहीं। टीवी देखने का कोई माहौल नहीं होता, बच्चा पढ़ा पढ़ा अपने आप देख रहा होता है, अकेला देख रहा होता है, तो माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। जिसको सिगरेट भी नहीं है वो अकेला जाएगा, माहौल बना के आ जाएगा, राइट? जिसको शाम को शराब पीनी है, दो दो पैक लगाने हैं, वो माहौल बना के आ जाएगा अपने आप। तो माहौल बनाना पड़ता है। ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग का भी माहौल, आप कोई भी एक फ्रेंड ढूंढ ले, कोई इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। भाई, घर में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फ्रेंड्स में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट यू कैन ऑफकोर्स गो टू एन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन टू पॉलिश योर स्किल्स, यस सर, राइट? तो इंग्लिश अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भले ही वहां इंग्लिश बोलने की बात ना हो, लेकिन यदि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश उसमें एक कंपलसरी पार्ट है। अब यदि उतनी बारीकियां आप नहीं समझते हैं तो शायद उस एग्जाम को क्रैक भी नहीं नहीं कर कर पाए। पाएंगे। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो सवाल है इंटरव्यूज, सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किल्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो इंटरव्यू में अटक जाते हैं, क्योंकि वो एक फ्लुएंसी से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स नहीं दैट्स होती। राइट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे आती है, लेकिन रियलिटी उन्हें तब पता चलती है कि उन्हें जो आती है वो सारी गलत है। जब वो बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे यहाँ भी लोग जब एडमिशन लेने आते हैं तो कई बार वो कहते हैं सर मुझे सारी अंग्रेजी समझ में तो आती है, मैं उनसे तीन चार सेंटेंसेस पूछता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और वो वहीं पे हाथ हो पैर ढीले छोड़ देते हैं। जाता तब उन्हें पता चलता है कि हमें लगता था कि हमें आती है, आती नहीं थी, और जो आती थी वो गलत आती थी, उससे काम नहीं चलेगा। अब मैंने कहा कि इंटरव्यूज में तो सारे इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाएं,
या कहीं प्राइवेट में जॉब करने जाएं, तो स्किल यदि आपने डेवलप नहीं किया, ये स्पोकन इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना, ये दोनों ही स्किल आपके लाइफ टाइम काम वो आएंगी काम और ये आएंगे, लाइफ चेंजिंग हो हो सकता है। सकता है। इवन जॉब में भी मैं देखता हूँ कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपको कम पैसे मिलते हैं, और जब आप इंटरव्यूज इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में अच्छे से इम्प्रेस कर लेते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो हाँ आपको ज़्यादा पैसे ऑफर वो करेगा। इम्प्रेस हो जाते हैं मैं राइट परफॉर्मेंस नहीं, इम्प्रेस नहीं, मुझे लगता है कि जो इंग्लिश बोल पाता है वो थोड़ा फास्ट भी सोचता है। यू नो फास्ट। साइंस कहता है हाँ कि जिन लोगों को दो भाषाएं आती हैं ओके उनका ब्रेन बाकी लोगों की तुलना में, जो मोनोलिंगल है या और जो बाइलिंगल है, यस वो बाइलिंगल जो लोग होते हैं जो एक से दो भाषाएं समझते हैं, दो भाषाओं पर पकड़ है उनकी, हाँ तो वो थोड़ा शार्प होते हैं, हाँ इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज्यादा आईक्यू लेवल उनका आईक्यू थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ओके सर तो अब ये सवाल भी हो गया, यस सर मेरे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यस सर राइट, सो मैम लेट्स टॉक इन अनदर क्लास। यस सर ओके थैंक यू सो मच सर वेलकम मैम।